फाइनली सेवन वंडर्स की हमारी शुरुआत पिरामिड से हो रही है इजिप्ट की। वेलकम टू चाइना, चाइना के वॉल में आपका स्वागत है। इसकी क्या रीजन है पता नहीं, ऐसे ही बना दिया गया। यहाँ पर क्रिस द रिडीमर स्टैचू के पास पहुँच गए। वो रहा देखो जापानीज टेम्पल, देख रहे हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो गए। तो गाइस, वेस्ट बंगाल सीरीज के फिर से एक नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मैं फिलहाल आया हूँ कोलकाता के इको पार्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है फॉर पिकनिक और टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर। इको पार्क काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसी के अंदर सेवन वंडर्स है, जिसमें ताजमहल, फिर चाइना वॉल और उसके बाद बहुत सारे सेवन वंडर्स जो दुनिया के हैं ना, सारे इसमें हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक वीडियो के तौर पे आप सभी को दिखाऊं कितना खूबसूरत है इको पार्क। वैसे इको पार्क इतना बड़ा है कि इसमें सेवन गेट्स हैं, यानी इतने सारे गेट्स हैं। अगर आप गलती से किसी एक गेट पे आ गए ना, तो आपको दूसरा गेट जाने के लिए काफ़ी वॉक करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं दो नंबर गेट पर, जहाँ से हम टिकट लेंगे। टिकट की प्राइस आई गेस 30 रुपीज़ ही होगी, क्योंकि पहले भी 30 रुपीज़ थी। तो अब मैंने अपनी स्कूटी वहाँ पे खड़ी कर दी है, यानी तीन नंबर गेट पे, क्योंकि दो नंबर गेट पे मुझे स्कूटी नहीं पार करने दिया गया। और आज मैं सोच रहा हूँ कि साइकिल लूँ, क्योंकि आज पूरे इको पार्क को घूमूंगा और मज़े करेंगे आज। तो ब्लॉग में बने रहना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँच जाए। तो चलते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोगों ने यहाँ पर एंटर कर लिया और हमारी टिकट की प्राइस पड़ी 60 रुपीज़, यानी 30-30 करके, क्योंकि मेरा वहाँ पे जो ब्लॉगिंग पार्टनर है वो भी रहा। तो 30 रुपीज़ अभी भी वही रेट है। और कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ पर देखो ट्रेन खड़ा हुआ है, जो कि 100 या 150 रुपये लेता है टूर कराने के लिए पूरे इको पार्क का। बहुत लोग टूरिस्ट के तौर पे आते हैं ना, यहाँ पर गाड़ी भी रहती है देखो वहाँ पर। ये रहा ट्रेन, इसकी टिकट प्राइस देखता हूँ कितनी है अभी। लग्जरी ट्रेन है, टॉय ट्रेन, टिकट की प्राइस 250 रुपीज़। 30 मिनट्स के लिए आपको पूरे इको पार्क में सैर कराएगी, और उसके पर पर्सन का अगर एसी 250 और नॉन एसी 150। आपने जो कार देखा ना, इसके 200 रुपये चार्जेस है, जो कि 30 मिनट्स यहाँ पे आपको घुमाएगी। और इतना बड़ा है कि काफ़ी बुज़ुर्ग लोग, यानी सीनियर सिटीजन आते हैं जो कि घूम नहीं पाते हैं, तो उनके लिए खासकर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। और हम लोग के लिए तो बस पैदल ही चलो, क्योंकि इतने बूढ़े तो हुए नहीं अभी तक। तो फिलहाल अभी चलता हूँ वहाँ पर, जापान का जो एक टाउन बना हुआ है उसे देखूँगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक साइकिल ले लेता हूँ, ताकि हमें चलने में आसानी होगी। भैया कितना रेट है साइकिल का? 150, 30 मिनट्स का। ओनली 30 मिनट्स? और अगर 30 मिनट से ज़्यादा हुआ तो वही 150 करके, फिर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ऐसे 5-7 मिनट लेट होने से कोई प्रॉब्लम है क्या? 5-7 मिनट छूट रहता है। अच्छा, 10 मिनट से ज़्यादा। ओके ओके, तो यहाँ पे साइकिल ले सकता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आप जानते हो कि वीडियो लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाय चांस 30 मिनट्स हमारे लिए ना बहुत कम है, सच बताऊँ तो, क्योंकि एक जगह पे अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो वहाँ पे नॉर्मल लग जाते हैं 20 मिनट्स 25 मिनट्स, तो फिर उसके बाद ना फ़ाइन देना पड़ जाएगा, तो प्रॉब्लम है। तो फाइनली गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं जापान, और ये है इंडिया की जापानीज फॉरेस्ट। तो देखते हैं इसकी बनावट कैसी है। वैसे मैंने काफ़ी सुना इसके बारे में। यहाँ पे देखो सामने ही जो ऐसे जापान आर्किटेक्चर टाइप के कुछ बने हुए हैं, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जापानीज फॉरेस्ट, और सामने ही गौतम बुद्धा है हमारे। तो मैंने वीडियो में देखा था, काफ़ी अंदर काफ़ी सुंदर बनाया गया इसके अंदर। और जैसा कि ये सब देखो, और यहाँ पे गौतम बुद्धा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे देखो यार, सच में लग रही है एकदम मैं जापान में आ चुका हूँ। यहाँ पे ऐसे रास्ते जो बनाए गए हैं, और यहाँ पे देखो डिज़ाइन जो है, पूरा एक लुक दिया गया है कि आपको ऐसा फील हो कि आप सच में जापान के, यानी जापान के किसी जगह पर आप आए हो। और यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे प्यारे स्टैचू बनाए गए हैं। और मैंने सुना है ना कि रात में यहाँ की जब लाइटिंग शुरू हो जाती है तो बहुत सुंदर लगती है। फिलहाल अभी तो 2 बज रहे हैं लगभग ना, तो लाइटिंग का अगर वेट करूँगा तो रात हो जाएगा। और वो रहा देखो जापानीज टेम्पल, वहाँ भी जाते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लुक दिया गया है। तो ये रहा जापानीज टेम्पल। भाई सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि सच में जापान में आए हैं, और जापान के किसी टेम्पल में। यहाँ पर देखो कितनी सुंदर तरीके से डिज़ाइन की गई है पूरे। वहाँ पे देखो स्टैचू देखो काफ़ी सुंदर। और ये रहा गेट, इसके अंदर चलते, गेट की बनावट देखो आप, एक अलग लुक दिया गया है।
ताकि आपको लगे एकदम कि आप सच में जापान के अंदर हो। और यहाँ पर देखो एक ग्राउंड कुछ बना हुआ है ऐसे, और ये भी मैंने वीडियो में ही देखा था, ये शायद ऐसे देखो बसते हैं, ये ऐसे बसते हैं, ये बहुत पवित्र माने जाते हैं, इनकी कुछ आस्था होती है जिसके बारे में मुझे डिटेल्स में तो पता नहीं है। फिलहाल ये रहा टेम्पल, देख रहे हो यार काफ़ी खूबसूरत लग रही है, देख रहे हो इसके अंदर हमारे गौतम बुद्धा, और वहाँ जो मैंने अभी वो घुमाया ना, देखो यहाँ पर भी दो बड़े बड़े दिखाए गए हैं, काफ़ी सुंदर है यार, जिन्होंने भी ये बनाया ना अप्रिशिएट करूँगा, काफ़ी सुंदर बनावट की गई है। तो कुछ ऐसा था जापानी फॉरेस्ट। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सेवन वंडर्स, तो मैं आपसे वहाँ पर मिलता हूँ। आधे घंटे चलते चलते एक कॉटेज मिली है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही, लकड़ी की बनी हुई पूरी, ऊपर में ऐसे जो गांव में होते हैं ना उस टाइप की है। यार धूप इतनी ज़्यादा है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। देखो पानी के चलते ना सनरेज जो इस पर पड़ रही है ना, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है और आँख में बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी तो फिलहाल सेवन वंडर्स के पास पहुँचा नहीं हूँ, क्योंकि उस कोने से आया, वहाँ से गोल गोल घूमते घूमते तकरीबन आधे घंटे लग गए। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा यानी जल्दी से पहुँच जाओगे, नहीं बहुत, यानी आपको ऐसे राउंड एंड राउंड करके आना पड़ता है पूरा। यार थक गया मैं, बहुत ज़्यादा धूप है ना, इतनी जल्दी जल्दी एनर्जी जा रही है कि अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही ना 1 लीटर पानी पिया, पूरा 1 लीटर, और फिर भी गर्मी लग रही है और पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। और भूल भुलैया कहाँ पर है, सॉरी भूल भुलैया बोल रहा हूँ, सेवन वंडर्स कहाँ पर है समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमें बटरफ्लाई गार्डन दिखा है, देखते हैं कौन से बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर, बहुत सारे हैं देखो, अलग अलग स्पेसिस के बटरफ्लाइज हैं। यार एक चीज़ तारीफ़ करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी पार्क को ना गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, सफाई तो एक नंबर और वेल मेंटेन्ड है पूरा, और वर्कर्स हमेशा काम कर रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए, कहीं पे एक ग्रास की कटिंग हो रही है, कहीं पे डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, कहीं पे न्यू आर्किटेक्चर बनाए जा रहे हैं, यानी अलग अलग यहाँ पर जो मेंटेनेंस के काम होती है ना चल रही है अभी भी। बटरफ्लाइज तो ऐसे ही हमें उड़ते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगा कि कुछ कैद होंगे, स्पेशल फिल्म ऑफ बटरफ्लाई एंड नेचर। बटरफ्लाइज तो हमें दिख नहीं रही है, बस वही जो उड़ रहे हैं वही बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, देखो वहाँ पर भी है, फिर कितने बटरफ्लाइज हैं, नज़दीक से दिखा रहा हूँ, देखो कितने सारे बटरफ्लाइज हैं यार, देख रहे हो बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज हैं जो कि मैंने कभी देखा ही नहीं था पहले, बस एक ही आती थी घर में, उसको पकड़ भी लेता था, बस वही वाली, और यहाँ पे तो अलग अलग हैं, और कुछ जगह पे बंद कर दिया है ना, रास्ता बंद कर दिया इसीलिए जा नहीं सकता अंदर में। दो टिकट, दो दस नहीं है, नहीं 10 नहीं है। यहाँ भी अच्छी बात यह है कि 30 रुपीज़ ले रहे हैं, यानी 60 रुपीज़ में आप पूरा इको पार्क घूम लोगे, और बाद के जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए अलग चार्जेस तो लगेंगे ही। थैंक यू भैया, ये रही हमारी टिकट, 60 रुपीज़ लगे एंट्री के, 60, और सेवन वंडर्स ही रहा, यहाँ पर सेवन वंडर्स है तो इसके भी 60, यानी टोटल एक पर हेड की आपकी 60 रुपीज़ लगती है, और 60 रुपीज़ में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मली घूमोगे और उसके बाद सेवन वंडर्स देखोगे, और अदर जो एक्टिविटीज़ थे उसके अलग चार्जेस हैं, जैसे साइकिलिंग की 150 रुपीज़, 150, एंड बोटिंग की 250 रुपीज़, जो कि थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी, ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जाते हैं, खैर सबके अपने पर्सनल चॉइस है मज़े करने के। तो चलते सेवन वंडर्स के अंदर, और यहीं से हम लोग वर्ल्ड की जितनी भी वंडर्स है सब देख लूँगा, और आप भी देखना भाई साहब को, दो जन का है, एक वहाँ पर आ रहा है कैमरा लेकर। तो फाइनली सेवन वंडर्स की हमारी शुरुआत पिरामिड से हो रही है, इजिप्ट की, और ये मम्मी का स्टैचू बनाया गया यहाँ पर, देखो वो रहा पिरामिड यहाँ पर। चलते इसके अंदर, मैं जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा, क्योंकि सेवन वंडर्स को कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा ना, इसीलिए इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मम्मीज है, नॉट रियल फेक, कुछ फील आ रहा है कि सच में इजिप्ट के अंदर कोई पिरामिड में
Which country from Ireland? Yeah. No problem. Which country from Ireland? I'm from Iran. Iran? Iran. Oh. We came from New Zealand, but original from Iran. Oh. Welcome to India, ma'am. Thank you. Can we take one photo from you, you all? Yeah. If you have no problem. इजिप्ट की पिरामिड देखने के बाद इंडिया की ताजमहल यहाँ सामने में ही है, और वहाँ पे क्या है, रोम का शायद कुछ है, और यहाँ पे नाम मैं भूल गया हूँ, चलूँगा अभी वहाँ पर भी। तो पहले यहाँ पर पिरामिड तो मैंने देख लिया, अब चलता हूँ उस साइड में। तो अब ये जा रहे हैं कोलोजियम, यहाँ पर रहा। अब पूरे डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, लेकिन पूरे डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। इसको शायद आपने वॉलपेपर में देखा होगा, विंडोज़ की जो पहले कंप्यूटर आती थी पुरानी वर्जन वाली, तो उसमें आपने देखा होगा ज़रूर वॉलपेपर में। देखो ये कुआं टाइप का कुछ बना हुआ है। पहले होता था ना कि लोग ऐसे बाहर में रहते थे और यहाँ पे वॉर होता था शेर और इंसानों के बीच में, और जो किंग होता था वो मज़े लेता था, पनिशमेंट के तौर पे लोगों को ऐसे ही डाल दिया जाता था। तो कुछ ऐसा है, अब इससे ज़्यादा कुछ जानने लायक नहीं है, तो चलते हैं बाहर। यहाँ से एक अलग व्यू देखने को मिल रहा है, कोलोजियम, ताजमहल, वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जो स्टैचू है रियो डी जेनेरियो में, और यहाँ पे देखो बहुत सारे यानी सेवन वंडर्स दिख रहे हैं, और ये रहा फाइनली चाइना वॉल। तो पता ही होगा कि चाइना वॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उसकी जो बनावट है ना, उसमें कितने वक्त लगे, कितने टाइम लगे एक वॉल को बनाने में, जिसको कहा जाता है कि कितने हज़ार लोग उसमें मर चुके थे। तो फिलहाल कुछ ऐसा ही बनाया गया, ऐसा फील दिया गया है कि सच में चाइना वॉल ही है। फिलहाल उतनी लंबी तो है नहीं, ऊपर चलता हूँ। वेलकम टू चाइना, वेलकम टू चाइना, चाइना के वॉल में आपका स्वागत है। ये है कोलकाता की मिनी ताजमहल, ये रहा मकबरा, और यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखी गई है ताजमहल का कुछ ऐसा। सामने से तो उतनी खूबसूरत नहीं लग रही है, लेकिन दूर से देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर देखो मुमताज बेगम का मकबरा वहाँ पर रहा। स्टैचूज ऑन ईस्टर आइलैंड, और एक एक पत्थर की वजन मैं बता दे रहा हूँ 14 टन की है। तो इसीलिए साइंस आज तक साइंटिस्ट लोग प्रूव समझ नहीं पाए कि कैसे इतने भारी भरकम उस टाइम में कैसे इन पत्थरों को पहाड़ों पर चढ़ाया गया था, और प्लस उस समय इक्विपमेंट नहीं होती थी, कैसे इन पत्थरों को ऐसे इंसानी शेप दिया गया। और दूसरी बात कि इसकी मकसद क्या थी, सबसे पहली बात कि ऐसे इंसान के जैसा फेस बनाकर पत्थरों को काट कर, यानी मकसद क्या था। मानता हूँ कि ये सब कुछ रीजंस है, वो भी कुछ रीजंस है, चाइना वॉल भी रीज़न है कि युद्ध में अपने को सेव करने के लिए चाइना ने किया था। इसके क्या रीजंस है पता नहीं, ऐसे ही बना दिया गया मनोरंजन के लिए कि आज तक कोई पता नहीं कर पाया। तो फिलहाल चलते हैं वहाँ पर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की तरफ। यहाँ पर क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू के पास पहुँच गए, ये भी सेवन वंडर्स में आती है। देखो ये अपने आप में एक वंडर है, क्योंकि रियल में बहुत ऊंची स्टैचू बनाई गई है असल में। अब हमारी लास्ट जो वंडर बची है वो पेट्रा जॉर्डन की है। तो गाइस ब्राज़ील के क्राइस्ट द रिडीमर देखने के बाद अब लास्ट वंडर हमारी ये रही पेट्रा जॉर्डन। और यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या, यहाँ पे पूरी सेट लगी हुई है यहाँ पर देखो। हाँ यार यहाँ पे तो फिल्म की शूटिंग चल रही है, यहाँ पे देखो। कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है मुझे नहीं पता, यहाँ पे देखो सब लोग कारीगर बैठे हुए हैं। तो कुछ अच्छा पेट्रा जॉर्डन, इसके अंदर चलता हूँ। पेट्रा जॉर्डन है, पेट्रा जॉर्डन। अब इसके बारे में तो हिस्ट्री पता नहीं है, हिस्ट्री बताने जाऊँगा काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि डिटेल्स भी जानना पड़ेगा ना। देखो कुछ ऐसी है पेट्रा जॉर्डन, किसी बंगाली फिल्म की शूटिंग हो रही है। वंडर्स देख लिए, और इको पार्क की हमारी सफ़र यहीं पर ख़त्म होती है। काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पर, और स्पेशली ईरान के जो लोग थे उनसे मिला, उनसे ढेर सारी बातें हुई, जो कि मैं कैमरा क्या ऑकवर्ड लगता है ना कि हर बार कैमरा ऑन करके रखो तो सही नहीं लगता, फ्री होके बात नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। और उन लोगों से ढेर सारी बात हुई मेरी। बेसिकली वो लोग रहते हैं न्यूजीलैंड में, और यानी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईरान बट रहते हैं न्यूजीलैंड में।
तो काफ़ी सारी बातें हुई हैं। मैंने पूछा इंडिया कैसा लगा आपको, तो उन्होंने बोला इंडिया काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा विक्टोरिया भी उन्होंने घूमा, अभी इनका फर्स्ट ट्रिप है इंडिया का, तो अच्छा है। और लोग कैसे लगे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ढेर सारी बातें हुई, फिर वो लोग चले गए। और इसी के साथ मैंने भी अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करने के बारे में सोचा, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी ब्लॉग। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लॉग काफ़ी पसंद आ रही होगी और वेस्ट बंगाल सीरीज़ की वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं फिर से एक नए वेस्ट बंगाल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।